हेलो एवरीवन, आइए हम लोग देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट परसेंटेज इज प्रेजेंटेड इन द टेबल, यानी कि नीचे एक टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस परसेंटेज के रेशियो में क्यूरिंग पीरियड के बाद इंक्रीज होता है। तो क्यूरिंग की जाती क्यों की जाती है, क्योंकि क्यूरिंग का मतलब तराई। तराई इस वजह से करते हैं क्योंकि जब किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उसमें जलयोजन यानी हाइड्रेशन की क्रिया होती है जिससे उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब क्यूरिंग करने का तात्पर्य यह होता है कि जलयोजन की क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके, जिससे कि उसमें अगर कंप्लीट नहीं होगी तो ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगा और हीट निकलने के बाद क्या करेगा, वो उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं, लिखा हुआ है क्यूरिंग पीरियड इन डे, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट इन परसेंटेज, कि डे बाय डे तराई करने के बाद कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की इंक्रीज होती है परसेंटेज की मात्रा में। तो देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे तराई करने के बाद जो आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट होगा परसेंटेज में, वो 16% होता है। 3 दिन के बाद 40%, 7 दिन के बाद जो होता है तराई करने के बाद वो 65%, 14 दिन के बाद 90% और 28 दिन के बाद 99%, यानी कि टोटल हमें जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो 28 दिन की तराई के बाद प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।